हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजीद, और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश का थर्ड लेसन अ पिंच ऑफ स्नफ, जो लिखा गया मनोहर मलगोंकर के द्वारा। उसी का आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मलगोंकर। जो ए पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो मनोहर मलगोंकर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, मनोहर मलगोंकर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मनोहर मलगोंकर हैज़ रिटेन द लेसन, यानी मनोहर मलगोंकर जो है उन्होंने कौन सा लेसन लिखा है, तो अ पिंच ऑफ स्नफ। ओके, अ पिंच ऑफ स्नफ लिखा है। ऐसे तो बहुत सारे लिखे लिखे हैं, आपको जो पढ़ना है वो पिंच ऑफ स्नफ है। तो इसका भी आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ए पिंच ऑफ स्नफ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, नानू काका रोट अ चेक फॉर ए डैश रुपीज। ओके, यानी जो नानू काका है उन्होंने कितने रुपए का चेक लिखा, ठीक है ना। तो उन्होंने 1000 यानी 1000 रुपीस का चेक लिखा। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, 1000 रुपीस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चार नंबर प्रश्न है, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लेनेट टू मीट वास। ओके, वो कौन से सेकेंड पर्सन थे जिनसे मिलने के लिए नानू काका ने प्लान बनाया, ठीक, षड्यंत्र रचा। तो वो थे वेलफेयर मिनिस्टर। ओके, वेलफेयर यानी कल्याण मंत्री जिसको कहते हैं, तो उन्हीं से मिलने के लिए नानू काका ने षड्यंत्र रचा। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, द वेलफेयर मिनिस्टर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, रतिराम वाज द सन ऑफ। तो रतिराम किन के बेटे थे, तो रतिराम सोहनलाल रतिराम के बेटे थे। ओके, सोहनलाल रतिराम के बेटे थे, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है छः नंबर, डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी। ओके, यानी कौन सा जो स्टोरी आपके बुक में जो हास्य कहानी है, ठीक है ना, तो वो अ पिंच ऑफ स्नफ एक हास्य कहानी है, ठीक। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। ओके, यानी किनके बारे में कहा जा सकता है कि वो ऑनेस्ट ईमानदारी नहीं था, ठीक है ना, तो वो नानू काका के पास। ओके, नानू काका के लिए शब्द कहे गए, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। ओके, कौन आया था नरेटर के, यानी जो कथा लेखक है यानी लेखक, उनके फैमिली में घूमने आया था, कौन आया था, तो नानू काका आए थे। ओके, नानू काका नरेटर के यानी कथाकार के मामा लगते हैं, तो वही मामा अपने भांजा के घर पर घूमने आए थे, और घूमने का जो मेन मकसद था वो सोहनलाल से मिलना था। ओके, जो वेलफेयर मिनिस्टर थे। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, नानू काका। चलिए आगे देखते हैं। डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। ओके, कौन गया था मिनिस्टर से मिलने जोधपुर का कोट पहनकर। ओके, कौन मिलने गया था जोधपुर का कोट पहनकर मिनिस्टर से मिलने, तो वो मनोहर मलगोंकर जो ऑथर है, लेखक है, वो खुद जोधपुर का कोट पहनकर गए थे मनोहर मलगोंकर के, सॉरी, मिनिस्टर के पास। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द डैश टर्बन। ओके, यहाँ टर्बन मतलब पगड़ी। ओके, तो जो स्पीकर जो वक्ता था उन्होंने जोधपुर का कोट पहना था। ओके, और पगड़ी कैसा रंग का पहना था, तो उन्होंने ऑरेंज रंग का पगड़ी पहना था। ओके, वाइट रंग का जोधपुर का कोट पहना था और पगड़ी पहना था ऑरेंज रंग का। ओके, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
नानू काका वाज टू से फोर डैश, नानू काका जो आए थे नरेटर के घर पर रहने, ओके लेखक के घर पर रहने, तो कितने दिनों के लिए आए थे, ओके कितने दिन वहाँ रहे, तो टू और थ्री डेज रहे, ओके टू और थ्री डेज रहे नरेटर के घर पर, ओके चलिए आगे देखते हैं। डैश इन्फॉर्मेड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, ओके यहाँ पर बोल रहा है कि किसने अंडर सेक्रेटरी को, ठीक है ना, बताया कि नानू काका घूमने आ रहे हैं, ओके तो नरेटर की माँ ने खुद बताया कि हाँ नानू काका आ रहे हैं, जाओ उन्हें स्टेशन से पिकअप कर लो, ओके तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, मदर, ओके चलिए आगे। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स, ओके यानी जो नानू काका है वो कथाकार के माँ का क्या लगते हैं, ओके जो नानू काका है वो कथाकार के माँ का क्या लगते हैं, तो वो ब्रदर लगते, ओके तब तो नरेटर के मामा लगे, ओके तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ओके चलिए आगे देखते हैं। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, ओके यानी जो पिंच ऑफ स्नफ है इनके मेन कलाकार यानी मेन पात्र कौन है, तो नानू काका, ओके नानू काका मेन पात्र है, ओके तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नानू काका, क्योंकि ये पूरी कहानी नानू काका के इर्द गिर्द घूम रही है, ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे है, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, ओके यानी जो नानू काका है उनके पास एक अनोखा क्वालिटी था, ठीक है ना, बोलने का, क्या बोलने का, तो लाइज यानी झूठ बोलने का उनके पास अनोखा तरीका था, ऐसे झूठ बोलते थे कि कोई पकड़ नहीं पाए, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे है, नानू काका हैज हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू, यानी जो नानू काका है उन्होंने किसे दिया था 1000 का चेक, ओके तो उन्होंने एक धोबी को दिया था ताकि लगे धोबी को कि वो बहुत बड़े आदमी है, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने 1000 का चेक दिया था धोबी को, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, ओके यानी नानू काका ने अपना परिचय बताया था कि वो पुरोहित है, ठीक है, ज्योतिष है, ठीक है ना, तो कहाँ के ज्योतिष है, तो उन्होंने बताया था कि वो निन्नौर के ज्योतिष है, ओके निन्नौर के महाराजा के पूर्वजों के ज्योतिष है, वंशानुगत जो ज्योतिष होता है, ठीक है ना, वही है, तो कहाँ के, तो निन्नौर के, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके चलिए आगे देखते हैं। नानू काका वाज अ वेरी डैश मैन, नानू काका कैसे व्यक्ति थे, तो वो क्लेवर व्यक्ति थे, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लेवर, ओके क्लेवर बी करेक्ट हो जाएगा, चलिए आगे देखते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश, अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, अ पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है, ओके और मैंने समरी भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से समरी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ओके और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ओके चलिए आगे देखते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट और डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, यानी जो अ पिंच ऑफ स्नफ है इसमें किसके किस पात्र के चरित्र का विवरण हो रहा है, ओके तो नानू काका के चरित्र का विवरण हो रहा है अ पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी में, ओके तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा कि नानू काका के कैरेक्टर का को डिटेलिंग कर रहा है, डिटेल में बताया जा रहा है इस चैप्टर में, ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मनोहर मलगोंकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन, ओके यानी जो मनोहर मलगोंकर है, ओके वो कहाँ के प्रोबेशन है, ओके
तो वो अंडर सेक्रेटरी के प्रोबेशन है। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये 21 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम के व्यू से, ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और फ्री में PDF पाने के लिए टेलीग्राम रीडेबल स्टडी पॉइंट से जुड़िए, वहाँ पर आपको एकदम मुफ्त में एकदम फ्री में PDF मिलेगा। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।